वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आए थे ये देखने के लिए आगरा में, ये है आगरा फोर्ट और यहाँ पे मिलती है टिकट्स, देखिए 40 रुपए की है और अभी लाइन ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, ये सारी टिकट्स हैं यहाँ पे। अंदर की तरफ भीड़ होगी बहुत धूप पर, बहुत ज़्यादा। देखो बहुत बड़ा फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है पर बहुत धूप है, देखते कितना घूमना। तो हम आ गए हैं फोर्ट, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए ये एंट्री है, ये एंट्रेंस है। नीचे नदी चल रही थी, नीचे नदी थी, यमुना नदी, कोई हमला करे कोई देते थे। हाँ तो आगरा फोर्ट, ये देखिए इस पे कलाकारी भी हो रही है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है, पहला फोर्ट था चित्तौड़ किला जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। ये देखिए, चलो चलते हैं वीर, तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ। ये क्या क्या है, बैठने की जगह है इनकी? ये साजा का घर, ये जेल बना, ये जेल थी, ये तो नहीं होगी, ये तो सिपाही पाए बैठते हैं। थैंक यू। साजा के थोड़े ना वो भी बुद्धि। अच्छा और क्या क्या कहना है तुम्हें? ऐसे लोंडे मिल गए थे तो है, एक अच्छा है तो क्या हो गया? वो भी आ गया उसे। क्या अच्छी बात है, उसे भी अपने कदम की सजा मिली। एक तो कम ना कभी भी हो ना वो शेड्स के ना ऐसे रखने के लिए। हाँ जहाँ जरूरी है ना वहाँ तो लाते ही नहीं यार, दूसरों को देख के याद आता है भाई। हमारे पास भी शेड्स है। लो ये फोन रख लो यार, आपको कुछ ये फोन ये रहा। जहाँ जहांगीर महल है अंगूरी बाग, कितना 16 महल भाई साहब। मुझे तो भैया वो देखना एक बार यहाँ से ताजमहल, मेन मुद्दा अगर बात करूँ 16 महल मुझे याद है रहने। इतने बड़े बड़े घरों में रहने तो जैसे हम फ्लैटों में रहते हैं तो कहते क्या रह रहे, ये तो कहते हमारा वॉशरूम भी ना है, सेनापति भी नहीं रहते। अरे वॉशरूम भी ना है उससे बड़ा ही होगा। कोई इतने बड़े बड़े महलों में रह के भी घमंड नहीं करता था और कोई छोटे से फ्लैटों में रह के करते हैं। ये देखो
ऐसा ताला लगा हुआ है इस गेट के। देखिए कहाँ गए, रुको इधर। ये देखो ना बीच में पानी फिर बना हुआ है। हाँ। उसको नहाती होगी वो नहाने के वो छुट्टी करनी है। यहाँ अच्छा लग रहा है, बाहर धूप है यार। अब सीढ़ी पैर रखो भी नीचे, धूप स्टार्ट। कोई बात नहीं, बोल देखो, ये देखो बंद है। इनके ताले क्यों बंद कर रखे हैं, इनके ताले क्यों बंद कर रखे? वो सोना बात था, वो सोचो उस टाइम पे भी सोना बात था। मेरे को बेचारे चेक चलते रहे। छत पे तो पापा बने हुए थे ऐसा। आ जाओ इधर आओ, देखो ये वाला, ये व्हाइट वाला यहाँ से दिखता होगा। अरे वाह, ये तो ताजमहल जैसा। अच्छा वो है ना सामने ताजमहल, वहाँ से दिखता है। तो चलो दोस्तों, सोमनाथ दरवाजा। लोग आमीजे तुम्हार, पता नहीं यार कितना बढ़िया लग रहा है यार। सोलह महल है ना ये, तो छोटे छोटे इस टाइप से बना रखे होंगे। वो सामने से देखते चलो। करना है उस गुड्डे को पकड़ लेता हूँ। कहाँ है, यहीं से आए थे। आए कहाँ से थे हम, पीछे से आए थे ना, वहाँ से थोड़ी आए थे हम। ये था यहाँ थे हम। यही तो है, सुनो यही तो। पति ने फाइनली गाइड कर लिया, अब हम देखेंगे गाइड। चलो
देखो ये आगरा किला है ना, सबसे पहले आगरा में क्या किया था 1565 से 1573 आठ साल अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से पूरा 495 ईयर्स में कंप्लीट किया था। जितना भी 95 ईयर्स में कंप्लीट हुआ जितना भी लाल पत्थर का काम अकबर जहांगीर का, वाइट मार्बल का शाहजहां का, औरंगजेब ने तीन साइड में पानी का खाई। इसका तीन गेट है, अमर सिंह गेट, दिल्ली गेट, वाटर गेट। इस गेट से आपने एंट्री किया है, इस गेट का नाम अमर सिंह गेट है। वो बाहर आपने कब देखा था अमर सिंह जी रखा होता है नाम है, शाहजहां के टाइम फौज कमांडर था अमर सिंह जी। अच्छा, वो टप आपने देखा था? नहीं। अकबर का बीवी था जोधाबाई, जब उसके जहांगीर पैदा हुआ था जिसे सलीम बोलते हैं, राजा मान सिंह ने सोने से जड़ करके प्रेजेंट किया था, वो टप उधर नहीं था। सेम इसी प्रकार का महल था, इसके बैक में अकबर का अकबरी महल, जो कि 1764 में भरतपुर के राजा ने अकबरी महल को तोड़ दिया। अच्छा, सोने का सम करके वहाँ तक लाया था जब जहांगीर छोटे थे नहाते थे। ये महल आपको देखने को मिलेगा, इस महल का नाम जहांगीर महल है। जहांगीर का दो बीवी था, जोधबाई और नूरजहां। अकबर की बीवी का नाम जोधाबाई और जहांगीर का बीवी का नाम जोधबाई। ये जोधबाई का बेडरूम है, पहले पर्दा होता था, दरवाजा नहीं। आगरा फोर्ट के अंदर कोई फेस्टिवल या प्रोग्राम होता था, इधर नाच होता था, जस्ट उधर से इन चार जोरों को सरानियाँ, इन छोटी छोटी आर्चों से नौकरानियाँ रंग बरसाती थी, इसीलिए सरंग महल बोलती है। अच्छा, ऊपर से जो है इनसे ये रानियाँ होती थी इनमें जी, चार थी नौकरानियाँ। इधर मंदिर था जो कि औरंगजेब ने उसे तोड़ दिया, रोड पर रिपेयरिंग किया, मूर्ति नहीं। इधर जो आप पहले स्टार्टिंग में गए थे इसमें मूर्तियाँ थी, सोना भी तो था इसमें, सोने की मूर्ति थी जो कि औरंगजेब ने तोड़ दिया, लोड पर जो रिपेयरिंग किया। इधर पुस्तकालय, इसके बैक साइड में बुद्ध श्रद्धा कैमरा कर दो मुझे लाइए, कैमरा करके दे दो, वीडियो हो गई चल रही है। क्या ये तुलसी का पेड़ था जो तुलसी का पेड़ जो हिंदू लेडी थी मंदिर हाँ। की पूजा करके तुलसी का पूजा, जोधाबाई ना, जोधाबाई का महल है सर, जोधा का महल उधर। ये लेडीज सर्वेंट रूम है जो फ्लोर प्ले फोन रखो पीछे, वहाँ पे तुलसी, जो तुलसी की पूजा करते थे और तुलसी के लिए था वो। अभी आगे और दिखा रहे हैं, आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी उनकी, बट अच्छे से गाइड कर रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट मैं क्लियर कर दूँगी आपको जो लगेगा कि हाँ। बहुत मैडम, इस महल का नाम हवा महल है। हवा महल मुगल टाइम लाइट नहीं था, इस महल के ऊपर पानी का टैंक है। अच्छा, गर्म पानी का, ये नेचुरल एसी है, इसको पानी को बाहर उस साइड से निकाला जाता है। ये महल को होता है, देखो भैया आप मैडम आप उधर बातें करो, उसको कान सुने, कान से सुनो, नहीं इसको ना सुनो मैडम, इधर इधर भूलो देखना क्लोज दिख रहा है।
अभी दिखाऊंगी ताजमहल भी, देखो क्लोज दिख रहा है और अंदर से ओपन है। ओ भाई साहब, हाँ फिर क्या है ये भाई साहब, क्लोज कैसे दिख रहा है ये? हाइट है नहीं, एकदम डाउन है। अच्छा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मैडम वाइट शाहजहाँ का। हाँ। शाहजहाँ की वाइफ थी मुमताज बेगम। हाँ। मुमताज बेगम के 14 बच्चे हुए थे, 14। हाँ। उनमें से दो लड़की, चार लड़का बचा था, 8 बच्चों की खत्म हो गए। अच्छा। दो लड़कियों का नाम था रूप नारा और ओझा नारा। बीच वाला महल है शाहजहाँ का, इधर छोटी लड़की का, उधर बड़ी लड़की का, उधर मार्बल है, इधर रेड स्टोन वाइट प्लास्टर, जितना भी प्रॉपर है ये सभी सोना था, जो कि अंग्रेजों ने सोना निकाल करके सोना था ये सारा। अब यहाँ ताज भी हम, ये सोना था सारा, ये अंग्रेजों ने निकाल लिया, जो अब ये कॉपर है खाली। चोरो अब देखते ताजमहल फाइनली, और यहाँ से झरोके से चलो। इधर शेर चीते रहते थे, क्या रहते थे? शेर रहते थे, शेर रहते थे भाई साहब। होल्स है गन फायरिंग के लिए, पानी का खाई है मगरमच्छ। अच्छा। ये यमुना नदी बैकग्राउंड था, जंगल में यमुना नदी थी। वो दे देना वाली। ये देखिए सामने ताजमहल, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हाँ। नहीं नहीं, फोटो खींचनी है ना। अरे भाई फोटो खींच रहा है, देखा आपने अभी हमारी फोटो क्लिक हो रही थी, आपने देखा ताजमहल को, हमारी फोटो क्लिक हो रही थी वहाँ से, अभी अंदर जा रहे हैं। क्या है? ओ भाई साहब क्या बढ़िया है, फोटो क्लिक करा ले फिर मिलते हैं। बेडरूम इसी महल के अंदर साधन और मुमताज बेगम गए थे। जितना भी पुराना पेंटिंग है ये सभी गोल्ड डायमंड था, जो कि लॉर्ड फर्जनंद गोल्ड डायमंड को यूज करके ले गए, वही अंग्रेज चोरी करके ना। ये सामने लेडीज सर्वेंट रूम है, दासियों के लिए कम। वो सामने, हाँ ये गार्डन आप देखेंगे, इस गार्डन का नाम अंगूरी बाग है, जहांगीर ने कश्मीर से मिट्टी मंगाया। हाँ। का बाग लगाया था जहांगीर का सारा, इसके नीचे मैडम ये भी। और ये नहाने का था इनका, ये फुहारे चलते थे, नहाने का बाथरूम तो इधर दिखा। अच्छा, यहाँ फुहारे, उस टाइम पे फुहारे लगा रखे थे उसने, अलग अलग अंडा था वो तो। बड़ा तेज था वो तो। ये था अंगूर का बाग है, दारू भी पीता था, अंगूर भी खाता था, अभी भी उग रहे हैं इस पे अंगूर, हम भी बना ले एक आधे जो किलो, हम भी तोड़ ले। ये क्या है? शीशे है इसके अंदर। देखो मैडम, इस पैलेस का नाम शीश महल, शीश मींस ग्लास पैलेस। ये शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए नहाने के लिए बाथरूम बनवाया। अच्छा। इसमें एक मुमताज बेगम स्नान करती थी, लाखों मुमताज बेगम नजर आती थी। अच्छा। सीलिंग एंड वॉल के अंदर छोटे छोटे ग्लास है। जो आपने एक हिंदी फिल्म देखा होगा मुखिया था। हाँ। जो गाना हुआ है प्यार किया तो डरना क्या। हाँ। आमिर फोर्ट और आगरा फोर्ट का आइडिया लेकर के सेट बनाया था। अच्छा। ये शीश महल रिपेयरिंग के कार्ड बन गए, ये डेट है ना। ये यमुना नदी के लिए अंडरग्राउंड सड़क है। अच्छा, ये अभी रिपेयरिंग के लिए बाद में चालू हो जाएगा दोबारा। बड़ी लड़की आ गई, तो बड़ी लड़की को ज्यादा बढ़िया महल दिया था, मार्बल का। आप दोनों ज्यादा प्यार होगा बड़ी लड़की से, फर्क था लड़का में बच्चों में भाई। ओके मैडम, आइए इधर आइए। कोई नहीं, आ जाओ, तो ताजमहल से भी जाएंगे। ये मुसम्मन बुर्ज, बड़ी अच्छी काशी हो रखी है। इसका नाम नूर महल, जहांगीर का सेकंड वाइफ था नूर जहां, उसका महल था लाल पत्थर, लेकिन शाहजहां ने इस महल को मथमन बुर्ज और चमेली महल के नाम से प्रसिद्ध किया।
क्योंकि मुगल प्रतापी की सबसे बड़ा मौका गति का राजा शाहजहाँ के चार लौटे थे दाराम राज सराज औरंग औरंगजेब ने अपने तीन बड़े भाइयों का मर्डर किया। अपने पिता शाहजहाँ को इसी जगह का हाउस अरेस्ट किया था। शाहजहाँ 8 साल इसी महल के अंदर कैद रहे। अच्छा, इतना बड़े में अरेस्ट कर रहा था। और लास्ट में 22 जनवरी 1666 को यहीं पर वो ख़त्म हो गई। इतनी बड़ी जगह पर अरेस्ट करा था। जब उन्हें आंखों से ताजमहल देखता था, बाहर से देखा करता था, ओल्ड टाइम उनकी आंखें कमजोर हो गई थी। इसमें एक छोटा सा ग्लास था जिसके डिस्टेंस शाहजहाँ ताज को देखता था। और वो उधर गुलाब जल का फहरा है, आगे के अंदर चौपड़ बना हुआ है, एक ताला गुलाब जल का फहरा, ये टॉयलेट है। अब आपको ऊपर शाहजहाँ यहाँ आता था। ये गुलाब जल के फारे भाई साहब, अभी जेल तो जेल ही है, हमारे को क्या आपदा महल में करा है। बट खैर इसमें भी उसको भी जाने की जिंदगी तो खराब ही है। ये साइड से चलता है उसकी, ये शाहजहाँ का ही था जगह है घूमने का। ये सारा शाहजहाँ घूम रहा था है। ये मैडम शाहजहाँ का हाउस अरेस्ट टाइम का स्पेशल मध्य थे। अच्छा, औरंगजेब ने उधर कैद किया था, कैद टाइम शाहजहाँ ये मीना मस्जिद बंद हो गया। अब आपको दिमाग खास बना। अच्छा, मैं नमाज पूरी पढ़ते थे वो है। ओ भाई साहब, ये कैसा हाउस अरेस्ट था भाई। ये देखना दोस्तों, यहाँ मैं यहाँ से घूमता था वो दीवाने खास। और यहाँ पे काला ताजमहल भी तो बना रहे थे, यही है क्या काले पत्थर का? देखो फोटो शूट हो रहा है लड़के का। आई मैडम इधर सेव कर। अब आपका सुंदर मेरा ये भी सोना था। छतरी ऊपर है ये, आप पीतल का कर रखी छतरी, ये भी सब सोने की थी। ताजमहल के सामने एकदम भाई साहब, तुम्हारे मजा आ गए जिंदगी के। देखो इस महल का नाम है दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स प्राइवेट मीटिंग हॉल। और साथ सर आप पीछे खड़े हो, मैं पीछे सर फोन नीचे रखो। बरसात और धूप के टाइम मैडम अंदर जैसे बादशाह बाहर काला पत्थर है ना, राजा बैठता था व्हाइट पर मंत्री और यहाँ विद्या। ये काला पत्थर है ना, ये कसौटी का पत्थर है जो सोना चेक करते नहीं जोहरी लोग कोई थ्रो। ये ब्लैक ताजमहल शाहजहाँ ने अपनी यादगार में बनाया था, व्हाइट की यादगार में व्हाइट ताजमहल। यमुना के बैग में रेड स्टोन का टॉम आप देख रहे हैं पेड़ों के अंदर, उधर ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था लेकिन औरंगजेब ने उनको अरेस्ट कर लिया। फाउंडेशन बना हुआ है, आप ताज देखने जाओगे जब फाउंडेशन आप देख सकोगे। हाँ वो चकोर सी हो रखी है ना बस। तो ये ब्लैक और काला ही शाहजहाँ ही बैठता था, ब्लैक और सफेद। अच्छा अच्छा, यहाँ शाहजहाँ नहीं आता था ऊपर। अच्छा, घूम कहीं भी सकता था मगर। अच्छा
और ये पार्क में खेल कूद रहे होते थे। मैडम कैमरा करके आप सिंगल ही जाए सिंगल में बस थोड़ा जल्दी कर जाओ मैडम कुल कुल बस मैडम मैडम सर ये लीडर कमरे है नी मैडम अकबर जहांगीर के टाइम में जो लेडीज मार्केट था मीना बाजार यहाँ पे जी लेकिन शाहजहां ने लेडीज मार्केट था जेंट्स अलाउड नहीं थे लेकिन शाहजहां ने मीना बाजार को पसंद नहीं किया ये गार्डन है इसमें पांच जगह एक मछलियों का तालाब था जो कि सूरजमल जाट ने इस तालाब को तोड़ दिया इंडिया गवर्नमेंट ने गार्डन लगा दिया। अच्छा सूरजमल ने इतना हमला करा था क्या? जी सर ये दरवाजे बंद है ये मुगल टाइम का ऑफिस है। अच्छा जी ये दीवाने खास था इसके बैठ में दीवाने हम बताएंगे अच्छा ये ऑफिस है मुगल टाइम का और वो जो बड़ा सा दरवाजा है वहाँ ये मीना बाजार का आने का गेट है। अच्छा बाहर के भी लोग आ जाते थे यहाँ और ये अच्छा ये नीचे जाने का लंच वंच करने जाना उन्हें आ जाओ लंच करने जा रहे हो ऑफिस से अरे ओ भाई साहब तो ये भी मैं कहाँ से राजा बैठता होगा यहाँ ये सभा चलती होगी यहाँ इस महल का नाम है दीवाने आम मीन्स होता है पब्लिक कोर्ट ऊपर राजा विंडो के अंदर फैमिली टेबल पर मंत्री यहाँ पर दिया के लोग गार्डन में पब्लिक ऊपर राजा आपने हिंदी फिल्म देखा जो जाकर इसी महल का आइडिया था। अच्छा इस, हाँ, वो यहाँ बैठता है इस दरबार के अंदर 64 खम्भे आप किसी साइड से देखेंगे एक पिलर से दूसरा पिलर नहीं देखेंगे अभी देखते हैं। हाँ यार बनाते थे उस टाइम ऐसा आइडिया लेके हाँ एक पीछे जा रहा हूँ मैं जबकि एक पिलर नहीं दिख रहा भाई साहब दूसरा पिलर अच्छा ये यहाँ पे वो पंचायत चलती थी इनकी ये देखो ऋतिक रोशन यहाँ बैठा था ऐसी जगह और नीचे कौन बैठता था ये अच्छा अकबर बीरबल एक मिनट यहाँ बैठता था अकबर यहाँ बैठता था बीरबल और यहाँ इनकी फैमिली रानी हो गई यह उनकी बहू बेटियाँ और ये सब लोग अपनी दरख्वास्त लगाने के लिए कोड़े पड़े थे ना कोड़े ऐसी जगह पड़े थे कोड़े अच्छा अब पता नहीं कितने पड़े थे भाई अंकल तो रुक ही नहीं रहे अंकल कह रहे हैं कि बस फटाफट इन्हें दिखाओ मैं दूसरा कोई पकड़ूं और ये सेना खड़ी होती होगी सेनापति वगैरह वो सैनिक कैमरा दो भाई साहब इधर आ गए फोटो खींचेंगे एक नंबर की और वो क्या है वो जो सीढ़ियां सी बनी हुई है यहाँ से देखिए एक फ्लर से दूसरा फ्लर नहीं दिखेगा और हाँ रे भाई बीच में देखो कितनी अच्छी वो दिख रही है सर इधर खड़े मैं भी जी सर
मेरे को भी मौका मिल रहा है। ये मोती मस्जिद है, ये अमृत का समाधि है, सामने हाँ इंग्लिश गवर्नर जोसेफ कॉल्विन का टॉम है, उधर आर्मी रहती है। वो गेट है नहीं भैया, हाँ। इस गेट से आप आए थे, इसी से डाउन होकर के बाहर जाइए। अच्छा, और वो क्या है, वो जो सीढ़ी से लाइट एंड साउंड शो होता था। अच्छा, तो ये अंग्रेज को कितनी जगह दे रखी है, उसने तो लूटा था हमें। ये देखना यार, एक नंबर का, और हम एकदम सीधा देखते हैं। क्या जबरदस्त जगह थी, पता नहीं उसे क्यों जगह दी थी इतनी। ये सैनिक रहते थे यहाँ, ये क्या है, ये चंगूर बाग दारू गड्ढा, दारू पीते थे। आप थैंक यू जी। ये था अंगूर का बाग, यहाँ की वाइन्स निकालते थे और पीते थे। अब हमें कहाँ इंटरेस्टेड होंगे भाई। और ये बगीचे, जब यहाँ दीवाने खास लगता था, अब मैं तो उसका सोचता था दीवाने खास, उसका वो आमिर एक नंबर का कसूर, पूरा मजा आ जाएगा, पागल हो जाओगे देख के, तो संभल के देखना अगर देखोगे। अब ये आ गया अंगूर का बाग इनका, यहाँ अंगूर अभी भी पेड़ उगे हुए, देखो अंगूर के कुछ उगा रखे हैं, हमें तो देंगे नहीं खाने को। बट अच्छा है यार, पुराने टाइम में तो चला ही जाता आदमी एक बार को। ये देखो कितना सोना था, चोरी कर गए ये सब। ऊपर जो छतरी है जितनी भी, ये पीतल की बना रखी है, और पहले सोने की थी, और जो अंदर से ले गए सोना वो अलग है। इसलिए तो कहते थे हमें सोने की चिड़िया। और अब देखो, अब भी हम सोने की चिड़िया से कम थोड़ी हैं, साला हम पे पूरा दुनिया जल रही है। मैं कहा अब भी हम सोने की चिड़िया से कम थोड़ी है, हम इंडियन, हम से ही दुनिया चल रही है अब भी। ये रहा एकदम ताजमहल सामने, ये देखो आप, और ये ही यमुना नदी, ये फोर्ट है, इसमें कोई घुसने की कोशिश करता था तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे शेर छोड़ दिए जाते थे, और ये वाले पोर्शन में यमुना होती थी और उसके अंदर मगरमच्छ होते थे। तो इतना इजी नहीं था यहाँ पे घुसना। अंकल जी को भी पता है ना भाई साहब, आदमी को तो एक दो बार पूछ लो, औरतों को 10 बार पूछोगे तभी मुझे कुछ पैसे मिलेंगे। हाँ। और क्या, साफ सीधी बात है। तो दोस्तों अब इतना ही ब्लॉग था जितना हमें समझ आया। हमने गाइड भी करा, फिर पहले हमने सोचा मैं इतना बड़ा नहीं होगा, फिर हमने सोचा गाइड कर लेते हैं। फिर अच्छे से बता दो, मैं नहीं बताते अंगूर के बाग। हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आप
पा रहे हो ना, कहीं तो कर लिया करो। सेकंड टाइम से कोई जरूरत नहीं, बट फर्स्ट टाइम ही होता है ना, कुछ चीज़ें पता नहीं होती। बात है, पहले दिन जिस दिन आप सुनते हो ना उस दिन इंटरेस्ट आता है, सेकंड टाइम आप आओगे ना थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको, बाकी सब भूल जाएंगे। इसी बात पे दो मुझे, पकड़ती तुम्हारे हाथ दुख गए, मुझे पता है हम ही दिख रहे हैं ना, उधर उधर बोल के बोले जा रहे हो। तो मिलते हैं, थोड़ा सा दिखाएगा। ये देखो दोस्तों क्या सुंदर है नजारा, धूप बहुत है, महल के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये है ना, अच्छा बाहर आ गए क्या हम? हम बाहर आ गए, ये घर सोनाबाद, सोनाबाद तो होता है। ये देखो ना एक बार, ये क्या है, ये इतना बड़ा कटोरा। चलो चीची के मिलना, वो भागने में था। ओ भाई साहब जागीर से पैर बैठता था और छोड़, देखो दोस्तों हेलो, इसमें बैठता था, उसे भी छोटा नहीं मिला। और ये सीढ़ियों से उतर जाता होगा एक बार। हाँ, यहाँ आर्मी है हमारी। क्या हाँ शायद पता नहीं, यहाँ से तो कहीं बाहर निकलना है, मैं यहीं से तो ना, यहाँ से आए थे ना शायद। हाँ यहाँ से आए थे, ये एंट्री थी। तुम वहाँ से आए थे ना? कहाँ से? इधर से आए थे ना? इधर से ही तो आए थे। बाहर से आ रहे हो ना आप? बाहर से आ रहे हो ना? तो दोस्तों अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, और बहुत बड़ा हो जाएगा फिर आप भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। नहीं बड़ा तो हो चुका है वैसे तो